हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिका व्लॉग्स 5। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो देखिए गाइस, आज है करवा चौथ। मतलब मेरे व्लॉग ना आगे, मतलब मुझे नहीं पता कब तक आएंगे, बट मैं कल जा रही हूँ घूमने के लिए माँ वैष्णो धाम। तो मुझे, मतलब आपको पता है वहाँ पर नेटवर्क वगैरह नहीं आते, तो इसलिए ना गाइस ने मेरे व्लॉग ना बहुत ज़्यादा पेंडिंग होने वाले हैं, मतलब 3-4 दिन लेट ही आएंगे। तो देखिए ये करवा चौथ का मेरा व्लॉग है और मैं एडिटिंग वगैरह मैं कर ही रही थी, बट फिर आपको पता है कितनी ज़्यादा पैकिंग वगैरह करनी होती है, कितनी तैयारियाँ करनी होती है जब कहीं जाना होता है। तो ये व्लॉग मेरा ऐसे ही रह गया और आपको आगे जो देखने को मिलेंगे ना माँ वैष्णो धाम के, बहुत प्यारे प्यारे से व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी तो यहाँ पर करवा चौथ का हम लोगों ने व्रत वगैरह खोल लिया है और खोलने के बाद पहले पूजा पाठ की व्रत खोला और उसके बाद हम लग गए पैकिंग करने के लिए। तैयारी तो मैंने दोपहर में ही कर दी थी, बट सिर्फ और सिर्फ ये कपड़े सारे एडजस्ट करने थे हम लोगों को। तो चलिए गाइस फटाफट से ये पैकिंग करते हैं और सुबह मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिका व्लॉग्स 5। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस, करवा चौथ का फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ होगा आप सभी का, हमारा भी बहुत अच्छे से हुआ है। और अभी हम लोग जा रहे हैं शाम को वैष्णो देवी, तो थोड़ा हमको वैष्णो देवी के लिए खाना हमारा बन चुका है। जो वैसा सामान है हम लोग, जो नमकीन मटली वगैरह, वो सब हम मार्केट से लेकर आ गए थे सुबह मॉर्निंग में। हस्बैंड जी अभी यहाँ मंडी के ऑफिस के काम पे गए हैं, शाम को मतलब शाम को निकलेंगे हम लोग, शाम की ट्रेन है। और अभी बना रही हूँ मैं पूड़ियाँ, करेले बन चुके हैं, चटनी है, साथ में पानी डाल की रोटी है। तो हमारा अब शाम का खाना और सुबह मॉर्निंग का, तो ये हम सब बनाते ले जा रहे हैं और जो वैसा खाना है वो वैसे। तो चलिए फटाफट से खाना बनाते हैं। मैं नहा वाकर आ चुकी हूँ, सारा काम हो चुका, कपड़े वपड़े सब वॉश हो गए और कल के फेस्टिवल से बहुत ज्यादा थके हुए थे गाइस। सुबह मॉर्निंग में बच्चों को भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन भेजे बच्चों को। और अभी मैं नहा चुकी हूँ स्कूल से, तो फटाफट से खाना बनाते हैं, पैक करते हैं और चलते हैं माता के दर्शन करने। ठीक है गाइस, हम हो चुके हैं रेडी माता के दर्शन करने के लिए और जा रहे हैं विद फैमिली माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर मेरे पति देव अभी आए हैं ऑफिस पर, ऑफिस मतलब बहुत परेशान हो गया, इसका लेकिन वीडियो शूट नहीं की इन्होंने मेरे साथ। और यहाँ पर त्रिशा भाई साहब बिल्कुल रेडी अय्यर भाई अय्यर, और इधर कनक और श्यामक इधर है। अच्छा, ओहो व्लॉग, मतलब ट्राइपॉड मेरा व्लॉग की स्टार्टिंग इधर करी, इधर देखो जरा। तो देखो गाइस सभी लोग रेडी हो चुके हैं, तो चलो फाइनली बस अब चलते हैं। कनक पापा के कपड़े रखे हैं, पापा पहनेंगे, पता है तुझे? हाँ। तो यहाँ पर हमारे मयंक भाई सब बिल्कुल तैयार है, तो चलिए फटाफट चलते हैं और दीदी हम लोगों को रास्ते में ही मिलेंगी। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने मयूरी कर ली थी घर से ही, क्योंकि लगेज वगैरह काफ़ी था हम लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग ना जब अब कभी भी, जैसे आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो ऊपर वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं माता के, तो हम लोग जब ब्लैंकेट वगैरह ना अपने ही खुद के लेकर जाते हैं सारे ही, और जब जितने भी मेम्बर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारे ही ब्लैंकेट वगैरह, मतलब गर्म कपड़े, आपको पता अब तो ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा भवन पर। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने मयूरी करके स्टेशन पहुँच चुके हैं और बस ट्रेन आएगी, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे नई दिल्ली, जहाँ से हम लोगों की ट्रेन है मेन ट्रेन। और गाइस वहीं पर, मतलब दीदी भी हमें इसी ट्रेन में मिलने वाली, जिस ट्रेन में हम यहाँ से जाएंगे साहिबाबाद से। बस गाइस 10 मिनट में हम लोगों की ट्रेन आने ही वाली है और जिस ट्रेन का हम वेट कर रहे हैं, जिस ट्रेन में हम जाएंगे नई दिल्ली, उसी ट्रेन में दीदी भी आने वाली है। तो बस हम लोग सब साथ हो जाएंगे, उसके बाद पूरी फैमिली जाएगी माता वैष्णो धाम माता रानी के दर्शन करने के लिए। और उनका काफ़ी दिन से इंतजार था गाइस, और मतलब 2-3 महीने हम लोगों ने टिकट पहले ही बुक करा दिया था, और मतलब एक एक दिन ऐसा हो रहा था कि कब जाएंगे हम माता वैष्णो धाम, कब जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए, और फाइनली वो दिन आ ही गया। तो चलिए अब ना आप व्लॉग ओरिजिनल साउंड में एंजॉय कीजिए, और आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ये भी जरूर बताना, अच्छा लगे तो भी, और जय माता दी जरूर लिखना कमेंट्स बॉक्स में। तो चलिए गाइस दीदी आती ही होंगी, उसके बाद हम जाएंगे विथ फैमिली माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो सभी बोलो जय माता दी। जी हाँ, लेकिन गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है इधर करेंगे क्या, टाइम दिखाऊं था आपको, टाइम ये हो रहा है, ला मेरे घड़ा दे। आ गई हम लोगों की ट्रेन, खाली है तो सही है, खाली है सारी। चलो 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 श्यामा चलो, चल श्यामा। और
अपने सामान फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नई दिल्ली जहाँ से हम लोगों की ट्रेन है और इसी ट्रेन में दीदी थी बट वो लास्ट वाले डब्बे में थी, हम लोग शुरू में ही बैठ गए थे तो हम लोग अभी यहीं पर मिलने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं परी और पीहू आ रही हैं। कोई कहेगा ये तीन ब्लॉगर पहुंचेंगे। हेलो पीहू, जय माता दी, जय माता दी पीहू, नमस्ते, नमस्कार जी, गोपा जी नमस्ते। अभी हम लोगों की जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे आने वाली आ रही थी बट चेंज हो गई, अब आ रही है 12 पे। अब हम लोग 12 पे जा रहे हैं, हम लोग 15 पे पहुंच चुके थे, अब जा रहे हैं 12 पे। परी आ चुकी है। सहरसा वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस विल लीव फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 16 एट द शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम ऑफ 20। तो गाइस आ चुकी है हम लोगों की ट्रेन। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में और खाना वगैरह हम लोग का हो गया है डिनर। क्या चलो गाइस अब हम करते हैं सोने की तैयारी और आप लोगों से मिलते हैं मॉर्निंग में। सोना नहीं है क्या करना है फिर रात को? एक ही सीट पे क्या खेल लोगे? तो देखिए गाइस डिनर वगैरह करके हम लोग तो सो गए थे रात में बट बच्चे ना पूरी रात नहीं सोए। बच्चों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग नहीं सोएंगे और आपको पता जब सारे बच्चे मिल जाते हैं ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं तो रात बच्चे रात भर सोए ही नहीं। सुबह मॉर्निंग में हम लोगों को पता चला बस एक दो घंटे के लिए लोग सोए तो यहाँ पर मॉर्निंग के अभी 7:15 बजे थे और अभी यहाँ पर कटरा स्टेशन जो है आने ही वाला है तो बस अब हम सब उतरेंगे और लगेज वगैरह हम लोगों ने सारा इकट्ठा कर लिया है और बस गाइस फिर रूम लेंगे। रूम लेने के बाद नहा के कपड़े वगैरह चेंज करके हम लोग सीधा चढ़ाई शुरू करेंगे। रात को हम सारे स्टेशन उतर गए, सारे स्टेशन डिस्कवर कर लिए। दीपमाला जैन उठ चुको, सब उठ गए, उठ जाओ, ठंड लग रही है। तुम कब आई? पहुंचने वाले हो? आना है, बैठे हो, जाऊं मैं देख ले। हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, बस ट्रेन से उतरेंगे। रात भर सोए नहीं ना तुम लोग? ये लोग गाइस रात भर नहीं सोए हैं। ये तो 4 बजे सोए थे और क्या, 6 बजे लाइट सोना थी। अरे वो टनल है, ये देखो लाइट भी है। क्या खा रहा तू? कुछ बोलना चाहोगे बोलो। जय माता दी, जय माता दी, दिखाओ।
ठीक है। ओ पीयू आज फिर आपके इस बार फिर ये लेकर आओ, ये हैंड वॉश देखो गाइस, ये हैंड वॉश है इसका। हाँ ये देखो, ये मस्त है पीयू का, ये वाला ये सही है। ये कितने सारे लेकर आए हो? आ गए आ गए। ये कर्टन उधर करते पीयू, ये देखो वाह, आने ही वाला है बस। ये फोग हो रहा है देखो यहाँ पर कितना, इधर ठंडा है मौसम भाई। छे माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। 8:30 पर हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा। चलो अभी चलते हैं हम लोग रूम में और करेंगे वहाँ पर कपड़े वगैरह मतलब नहा कर, और ये सामान हो जाएगा। ये 8:20 हो चुके हैं, हम लोग की ट्रेन आ चुकी है और हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा। तो अभी हम लोग जाएंगे होटल और वहां से पर नहा कर तब हम लोग चढ़ाई शुरू करेंगे अभी। तो तभी बोलो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। चलो जय माता दी, जय माता दी। धूप धूप कितनी अच्छी लग रही है, ठंडा है। माता दी गाइस के करवा चौथ नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे और हम लोगों को भीड़ नहीं मिलेगी, बट आप लोग खुद देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग कटरा और यहाँ पर हमारी जो ट्रेन थी बिल्कुल राइट टाइम पर थी। और अभी हम जो लाइन में लगे हैं ना, आप हमने सोचा था कि हम लोग करवा चौथ से नेक्स्ट डे जाएंगे तो हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, बट आप लोग खुद देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। और जो हम लाइन में लगे हैं, ये लगे हुए हैं हम लोग जो RFID कार्ड बनता है उसकी लाइन में। तो हम लोगों ने सोचा इस बार यहीं से बनवा लेते हैं और आगे फिर हम लोग मतलब ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं होगा हम लोगों का, और फटाफट से हम लोग चढ़ाई शुरू कर देंगे। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, हम लोगों को सब 1 से 1.5 घंटा लग गया था RFID कार्ड में। प्लीज़ आप लोग जब भी वैष्णो देवी जाए तो अपना आधार कार्ड जरूर लेकर जाएं, क्योंकि आधार कार्ड से ही हम लोगों का जो RFID कार्ड है वो मिलता है, और RFID कार्ड के बिना अंदर बिल्कुल भी एंट्री नहीं है, उसको ले जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सभी का RFID कार्ड मिल चुका है चाहिए, तो जिसके लिए हम लोगों को आधार कार्ड की जरूरत होती है, तो अपना आधार कार्ड जरूर लेकर पहन लो, कनक गले में पहनो, पट्टी पहनो 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 जल्दी से शमा पहनो पहनो फटाफट से। गाइस हम लोगों को RFID कार्ड मिल चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं होटल जो हम लोगों ने ऑनलाइन पहले ही बुक कर दिया था। तो बस होटल वाले जो भैया हैं वो आने ही वाले हैं अपनी गाड़ी लेकर और हम लोगों को यहीं से लेंगे वो। तो बस हम लोग जो मेन पॉइंट है वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर उन्होंने बताया था हम लोगों को, क्योंकि ये सब तैयारी ना हम लोगों ने पहले ही कर दी थी बुकिंग वगैरह की, रूम वगैरह जो बुक करना था। तो बस अब वहाँ पर नहा कर हम लोग जाएंगे ऊपर भवन पर, मतलब चढ़ाई करेंगे। अभी देखते हैं अर्धकुंवारी पर रुकते हैं या फिर सीधा भवन पर ही जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी आ चुकी है, होटल पहुँचते हैं और उसके बाद बस गाइस नहा कर जाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करूँगी। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अगर आपको ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर और चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करना और जय माता दी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। तो अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी करनी होती है। फटाफट से नहाते हैं और नहावा कर चल करते हैं चढ़ाई स्टार्ट। व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करूंगी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय गाइस, जय माता दी।